अहम खबर आपसे शेयर करें। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहान 2000 के नतज का ऐलान कर दिया है। नतज का तनासब 66.37% रहा। साइंस ग्रुप में 71.57% जबकि आर्ट्स ग्रुप में 50.93% तलबा कामयाब हुए। हमारे नुमाइंदे फैसल खान लाहौर बोर्ड ऑफिस में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। फैसल, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के इम्तिहानात के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में 2.5 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और उनकी ओवरऑल जो पास परसेंटेज है वो 66% है। अगर बात की जाए साइंस ग्रुप की, तो साइंस ग्रुप की जो पास परसेंटेज है वो 77% से ज़्यादा है और आर्ट्स ग्रुप की पास परसेंटेज जो है वो जो है 50% से ज़्यादा है। आज के रिजल्ट की खास बात यह है कि 1100 में से 1095 नंबर लेके 2 कैंडिडेट हैं जिन्होंने टॉप किया है और 1094 नंबर लेके 3 कैंडिडेट हैं जो कि नंबर 2 पे आए हैं और 1093 नंबर लेके 10 कैंडिडेट हैं जो कि नंबर 3 पे आए हैं। और उनका सिस्टम इस तरह है कि अभी तक रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है तो उनको ये नहीं पता कि ये मेल हैं कि फीमेल हैं, वो बाकायदा रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है, उसके बाद वो अगले दिन जो है वो इसका जायज़ा लेंगे कि ये मेल है कि फ़ीमेल है। बहरहाल 1095 जो है बहुत ज़्यादा नंबर हैं। और जब हमारी चेयरमैन बोर्ड से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारा जो है कामयाबी सबसे बड़ी ये है कि हमने 9 पंजाब के बोर्ड्स हैं, तालीमी बोर्ड्स हैं, एक साथ रिज़ल्ट हमने अनाउंस किया है और उसके साथ उनका ये कहना था कि हम आइंदा जो है मज़ीद रिफॉर्म लेके आ रहे हैं और उसमें मेन रिफॉर्म ये है कि आइंदा जो रिज़ल्ट आया करेगा उसमें मार्क्स नहीं आया करेंगे, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होगा। और उनका कहना था कि इस साल भी हमने पूरी कोशिश की थी कि ग्रेडिंग सिस्टम को ही राइज किया जाए लेकिन हमारी कैबिनेट कमेटी ने उसको अभी इस साल के लिए अप्रूव नहीं किया। आइंदा साल वो बहुत होपफुल हैं कि आइंदा साल जो है ग्रेडिंग सिस्टम पे हम अपने मैट्रिक रिजल्ट अनाउंस करेंगे। जी।